हेलो, कैसे हो आप लोग? मैं सोचता हूं कि आप लोग खुश होंगे और खुशी के साथ साथ अपने कर्तव्यों का बेहतर निर्वहन भी कर रहे होंगे। आज 25 मई है और हमारी पोल्ट्री की तीसरी सीरीज आपके बीच जा रही है, क्लियर। और इसमें अटॉर्नी जनरल और शेड्यूल कॉस्ट एंड शेड्यूल प्राइस पर क्वेश्चन निर्मित किए गए हैं, क्लियर। एग्जैक्टली मेरा उद्देश्य है कि जिस टॉपिक को लिया जाए उस टॉपिक को, ठीक है, कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि उससे उठने वाला हर क्वेश्चन आप कर जाएं, उसमें कुछ भी बाहर ना जाए। तो इसलिए आप देख रहे होंगे क्या लिखा है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या है? अब आप सुनिए मेरी बात को। अगर आप हमारी बात को कंसंट्रेट होकर सुन गए तो ये क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है, आप हर क्वेश्चन कर जाएंगे। तो सुनो, आप सॉलिसिटर जनरल कौन है? आप कहोगे कि अटॉर्नी जनरल का सहायक है सर। अब प्रश्न आता है कि अटॉर्नी जनरल का उल्लेख कहाँ है? संविधान में है, तो संविधान में है तो कहाँ है? तो आप कह देना कि सर वो आर्टिकल 76 में है, क्लियर। अब एक बात बताओ, ये जो अटॉर्नी जनरल है ना, ये जानते हो क्या है? तो आप कहेंगे सरकार का चहेता है, ठीक है, सरकार का चहेता है। और सरकार के प्रसाद पर्यंत तक ये अपने पद को धारण करता है। यहां प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हुआ? टिल प्लेजर, किसका टिल प्लेजर होना चाहिए? प्रेसिडेंट की खुशी तक ये अपने पद को धारण करता है। और प्रेसिडेंट की खुशी कहाँ है? तो आप कहेंगे प्राइम मिनिस्टर की खुशी है। इसका मतलब ये है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, वो सरकार की खुशी तक ही अपने पद पर रहता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति पार्लियामेंट के सुझाव पर कौन करता है? आप कहेंगे प्रेसिडेंट करता है, क्लियर। ये भी आप जान गए। अब एक बात याद रखना, जब ये सरकार के दाना पानी पर ही निर्भर है ना, क्लियर, तो इसका मतलब ये है कि अगर सरकार बदली तो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को अनिवार्य रूप से, मैंडेटरी, उनको क्या करना होगा? इस्तीफा दे करके जाना ही होगा, क्लियर। यहां तक भी आप क्लियर कर गए। और एक चीज आप याद रखना कि सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल कोई प्रशासनिक पद नहीं है, ठीक है, कोई सरकार का प्रशासनिक पद नहीं है, ठीक है। और जब ये पद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यह अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, क्लियर। एक बात और याद रखना, यदि केंद्र में या भारत सरकार की कानूनी सहायता के लिए अटॉर्नी जनरल होता है तो राज्यों में, प्रांतों में, राज्य मतलब प्रांतों में एडवोकेट जनरल होता है, ये भी आप जान गए। लेकिन एक चीज आपसे पूछा जाए कि अटॉर्नी जनरल की भूमिका क्या है, क्यों इतना महत्वपूर्ण पद है ये? तो देखो, संसद का काम क्या है और सरकार का काम क्या है, या कैबिनेट का कार्य क्या है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या कार्य है? तो देखो, जो संसद होती है ना वो कानून बनाती है, ठीक है, विचार विमर्श करती है देश की समस्याओं पर, और समस्याओं को देख करके ही कानून को निर्मित करती है, क्लियर। मतलब आप कह सकते हैं कि एपेक्स लॉ मेकिंग बॉडी है हमारे देश की, कौन? पार्लियामेंट, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जो कानून होता है ना वो बनने से पहले क्या होता है? कानून बनने से पहले क्या होता है? एक बिल होता है, ठीक है। और जो कानून होता है वो देश के नागरिकों को और देश में आने वाले विदेशियों को सबको बहुत प्रभावित कर सकता है, नुकसान भी कर सकता है और लाभ भी दे सकता है। तो ऐसे स्थिति में कानून का निर्माण बहुत ही सोच समझ के किया जाना चाहिए, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट बिल हो
या गवर्नमेंट बिल हो। प्राइवेट बिल किसे कहते हैं? तो जब कोई सांसद कोई कानून बनवाना चाहता है तो इसके पहले एक बिल लाता है, उसी को प्राइवेट बिल कहा जाता है। समझ गए? अब एक बात देखना, ठीक है, लेकिन जब मंत्री लेकर आता है तो उसी को गवर्नमेंट बिल कहा जाता है। तो मंत्री जब गवर्नमेंट बिल लेकर आएगा तो उसके साथ तीन समस्याएं आती हैं। पहली समस्या आती है कि इस कानून का हमारी पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉलिटिकल लाइफ पर क्या प्रभाव आएगा। तो इसका मतलब ये है कि कानून बनने से पहले, ठीक है, उसे पॉलिटिशियन के बीच में विचार विमर्श के लिए भेजा जाता है। ठीक है, जब विचार विमर्श से वहाँ पास हो जाता है तब यह प्रशासकों के पास भेजा जाता है, मतलब सेक्रेटरी के पास भेजा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, रिकमेंडेशन के लिए या सुझाव के लिए। और इसके बाद इसमें कानूनी क्या अड़चनें आ सकती हैं, ठीक है, इसका वकील कितना दुरुपयोग कर सकते हैं और कितना सदुपयोग कर सकते हैं, जनता कितना सदुपयोग कर सकती है और दुरुपयोग कर सकती है, ठीक है। तो इस पर सुझाव देने के लिए, ठीक है, कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। और इस अटॉर्नी जनरल को अपना पक्ष रखने के लिए संसद के किसी भी सदन में, यहाँ तक कि संयुक्त सदन में, और ही यही नहीं, उसे सदन की समिति में भी आने और अपने विचार विमर्श करने का पूरा अधिकार है। क्लियर? आपने सब सुन लिया? तो जब ये सुन लिया ना, तो अब ये जो प्रश्न आ रहे हैं ये आपके लिए कुछ भी नहीं रह गया। क्लियर? हम छोटे छोटे क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को, ठीक है, अनेक बार रूप देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके ब्रेन में जाकर के वो प्रध्वन कर जाए या इको उत्पन्न कर जाए और आप, ठीक है, फिर एक बहुत ही ताकतवर कंप्यूटर बन सकें और अपने सपने को साकार कर सकें। ठीक है, तो इसलिए आइए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि सॉलिसिटर जनरल, कह रहा है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ, सॉलिसिटर जनरल भारत का जो सॉलिसिटर जनरल है वो है क्या? है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अभी मैंने कहा ना कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं है और यही कारण है कि वह अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है ये? तो आप कहेंगे सर ये कानूनी सलाहकार है। तो आंसर तो हो गया ना, आपसे हमने कहा कि आप जब भी मैं पढ़ाने जाऊं तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर को जरूर ध्यान से सुन लिया करें। ठीक है, उसी चीज को अगर आप लिख लेते हैं तो आपको ये पढ़ने की, ठीक है, जरूरत तो है, क्योंकि जो हमने बताया वो भूल जाएगा। ये करेंगे, ठीक है, बार बार करेंगे, एक कॉपी पे लिख लेंगे और इसे बार बार रिवीजन कर लेंगे, आपको कई फायदे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपके हैबिट में आ जाएगा, आपके फिंगर में आ जाएगा। आगे चलते हैं। कहता हु अमंग द फॉलोइंग इज अ लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन, ठीक है, राज्य सरकार का वैधानिक सलाहकार होता है। ठीक है, अभी बताया था ना कि जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है वैसे प्रदेश में एडवोकेट जनरल होता है, और इसकी नियुक्ति कैसे होगी? ठीक है, तो आप कहेंगे गवर्नर करते हैं सर। ठीक है, क्लियर, और यह भी ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के बने रहने तक ही अपने पद पर रहता है, अन्यथा उसे इस्तीफा देना होता है। अगला देखो, अगला कह रहा है वन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड। ठीक है, क्लियर, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इसका मतलब ये कह रहा है कि ये नीचे कुछ पद दिए गए हैं, दो पद दिए गए हैं, और ये दोनों पदों को एक तरीके से और एक आधार पर हटाया जा सकता है। वे दोनों पद कौन है? ठीक है, वे दो पद कौन है जिन्हें एक आधार पर और एक तरीके से हटाया जाता है, वे कौन है? ठीक, तो आप इसका आंसर आप कर लीजिएगा। ठीक है, जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये थोड़ा मैटर अलग आ गया है, यह अटॉर्नी जनरल से रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली,
ये क्वेश्चन हमें कल देना चाहिए था, लेकिन मैं कल नहीं दे पाया था, इसलिए मैंने आज इसे दे दिया है, क्योंकि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शायद मैंने कल पढ़ाया था, तो इसलिए इस पर जोड़ दिया गया। तो आप याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रसाद पर्यंत का पद है, लेकिन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यह प्रसाद पर्यंत का पद नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह प्रसाद का पद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये प्रसाद के पद नहीं है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को एक विधि से ही हटाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखना, अगर मान लो कि सुप्रीम कोर्ट का जज ना हो, ईसीआई दिया हो, तो ईसीआई का चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी दिया हो, तो उसको भी इसी तरह से हटाया जा सकता है। क्लियर, आगे चलो। करा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू स्पीक इन बोथ द हाउस, ठीक है, निम्नलिखित में वह कौन है जो सदन की बोथ द हाउस में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोलता है, स्पीच करता है और उसमें भाग लेता है और संसद की कार्रवाइयों में, ठीक है, भी भाग लेता है, जबकि वह और संसद की समितियों में भी भाग लेता है, मतलब आप कह सकते हैं कि संसद की हर कार्रवाई में भाग लेता है, ठीक है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। मतलब संसद में वो जब चाहेगा आएगा, जाएगा, बोलेगा, ठीक है, सब कुछ करेगा, लेकिन जैसे ही किसी विवाद के समाधान के लिए संसद में वोटिंग हो रही होगी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सदन खाली करके बाहर जाना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया होगा। ये लिखा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर करा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड द राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट। भाई सीधी सी बात है यार, संसद को संबोधित करने का अधिकार किसको है? मैंने कहा फर्स्ट लेक्चर को आप ध्यान सुनिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को है, ठीक। आगे चलिए, सिक्स करा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, ये जो नीचे विचार दिए गए हैं उस पर, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उस पर विचार करिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कर सकता है, क्या कर सकता है, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है। सेकंड, बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की जो समितियाँ हैं, जिससे भी मैंने आपसे कहा था कि माइनर पार्लियामेंट कहा था, लघु संसद कहा था, उसमें भी भाग लेता है, लोकसभा में बोल सकता है, राज्यसभा में बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता, ठीक। तो इसका आंसर तो आप कर लेंगे ना, ठीक है, एक दो तीन, ये तीनों सही है, एक गलत है, ये तीन सही है, ठीक है, अब इसको मिला लीजिएगा। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग विल हैव द राइट टू हियरिंग इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज और हर ड्यूटीज, अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए, ठीक है, वह कौन है जो भारत देश की सीमाओं के अंदर किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है, ठीक है, क्लियर। तो वो कौन है? अटॉर्नी जनरल है। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसकी सीमाएं प्रांत होता है, ये है देश की सीमाओं में। करा, हु एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द लीगल, तो मैटर आप जान चुके हो, ठीक है, भारत सरकार को कौन कानूनी मैटर में सुझाव देता है वो तो आप जान चुके हो, अटॉर्नी जनरल। अब अगला, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ लीगल एडवाइजर टू, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसका कानूनी सलाहकार है, पद का या व्यक्ति का? सर, न पद का है न व्यक्ति का है, ये व्यवस्था का सलाहकार है, ठीक है, व्यवस्था का सलाहकार है, इसका मतलब गवर्नमेंट का वह सलाहकार है। आईएएस भी इससे
मांग सकता है, ठीक है, उनको राइट्स है ये चीज़ें, सेक्रेटरी इनसे सुझाव मांगेगा, ठीक है, सरकार इनसे सुझाव मांगेगी, सांसद इनसे सुझाव मांगेगा, क्योंकि वह सरकार का एक भाग है। आगे, बींग अ नॉन मेंबर बोथ द हाउस विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, ठीक है, पार्लियामेंट के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी, ठीक है, कौन सदन की कार्रवाइयों में भाग लेता है, तो जानते ही हो यार, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। बस आगे देखो, लास्ट पोर्शन है 11। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल पर विचार करो, अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में जो निम्नलिखित विचार दिए गए हैं इस पर आप करो निर्णय लो, क्या द पर्सन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन डू प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, यस सर कर सकता है, वाइल रिमेनिंग इन द पोस्ट, पद पर रहते हुए क्या वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, हमने शुरू में कह दिया था बिल्कुल करेगा, लेकिन सरकार के विरुद्ध, केंद्र सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार के विरुद्ध वो मुकदमा नहीं सुन सकता, ठीक है। ही इज एलिजिबल टू सिट इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट कैन नॉट सिट, नहीं भाई होता है बैठता है। मैंडेटरी फॉर अटॉर्नी जनरल टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम चेंज, कह रहा है कि सरकार के बदलते ही, ठीक है, इसको बदलना होगा या इस्तीफा देना होगा, ठीक, क्लियर। तो इसका मतलब ये सब सही है, लेकिन ये विकल्प गलत हो गया है, ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कह रहा है निम्नलिखित में कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, मतलब संविधान में उसका उल्लेख है, ठीक है, तो क्या इसका है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, नहीं, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यस 340, तो खत्म हो गया कहानी। फिर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं उस पर विचार करो, कह रहा है द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 89 अमेंडमेंट एक्ट, जो ये 28 कौन सा है 89, ठीक है, जो अमेंडमेंट हो रहा है, ठीक है, उसके तहत एक संस्था बनती है, वो संस्था का नाम क्या है, ये है संस्था शेड्यूल ट्राइब्स, ये बनती है, ठीक तो है, ये 89 अमेंडमेंट कब आता है, 2003 में आता है, और ये लागू कब होता है, 2004 में लागू होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि फर्स्ट नेशनल कमीशन, ये तो गलत हो गया ना, ये तो 2000 लिख रहा है, यहां पर क्या है, ठीक है, 2004 है, तो इसका मतलब केवल एक सही है। आगे चलते हैं, द शेड्यूल कॉस्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, एट्रोसिटीज का मतलब अत्याचार, ठीक है, शेड्यूल कॉस्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए जो कानून आता है वो कब आता है, ठीक है, गांधी की शहादत के दिन आता है, 30 जनवरी 1990 को आता है, ठीक है, क्लियर। फिर कह रहा है द कॉजेस आर नॉट एट्रोसिटीज ऑफ शेड्यूल कॉस्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कॉस्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन ईयर 1990, कह रहा है कि 1990 में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कॉस्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ने कहा था, ठीक है, क्या बताया कि इनमें से कौन अत्याचार माना जाएगा, ठीक है, एससी और एसटी पर अत्याचार कौन माना जाएगा, तो कह रहा है कि किसी भी एससी को
किसी भी एससी को या शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को यदि आप उसकी जमीन से बेदखल करते हैं तो यह किस में आएगा? एट्रोसिटी में आएगा, अत्याचार में आएगा, ठीक है। और उसे आप ऋणी बना करके उसको कब्जा करना चाहते हैं, ये भी अत्याचार में आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसे बंधुआ मजदूर बनने के लिए आप विवश करते हैं, ये भी अत्याचार में आएगा। लेकिन रिलीजन संबंधी कोई भी घटनाएं अगर आप करते हैं या वो करता है तो ये अत्याचार में नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू, गुड डे, फिर हम लोग कल मिलेंगे।